أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पहले हम जो लास्ट वीक हमने सबक पढ़ा था उसकी रिवीजन करेंगे हमने से लेके और 45 तक पढ़ लिया था तो उसकी हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ठीक आज की क्लास इंशाल्लाह हम 6:45 तक वाइंड अप करेंगे आयत नंबर 39 से पहले मैं रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं कुलना हमने कहा इहबितु तुम निकल जाओ मिनहा इसमें से जमीअन सब के सब कुलना हमने कहा इहबितु तुम निकल जाओ मिनहा इसमें से जमीअन सब के सब फइम्मा पस अगर यातियन्नकुम वो तुम्हारे पास आए मिन्नी मेरी तरफ से उदन हदायत मैं बताया था यातिया मुजारे है वो आता है नून सकीला का है एम्फेसिस के लिए आता है ज्यादा जोर देने के लिए आता है तो बाकी हुदन यातिया में फाइल जो है जो उसकी ज़मीर गायब है यातिया हुदन हदायत आती है तो फइम्मा यातियन्नकुम बस अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हुदन हदायत आ जाए फमन तबिया बस जिसने भी पैरवी की हुदाया मेरी हदायत की फला खौफुन अलैहिम तो ना उन पर कोई खौफ होगा वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे खौफुन ना उन पे कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे मुराद खौफ का ताल्लुक गुज़श्ता अमाल से है माजी में जो कुछ इंसान को हुआ ना अपनी गुज़श्ता गलतियों पे उनको कोई खौफ होगा जब वो हदायत की पैरवी कर लेंगे और ना आइंदा मुस्तकबिल में आने वाली चीजों के बारे में गमगीन होंगे कि ईमान नसीब हो जाएगा तो फिर आइंदा आने वाली जिंदगी के बारे में भी वो तसल्ली में आ जाएंगे कि आइंदा हदायत को कबूल कर लिया है तो अब खुदा तआला हमें बुराइयों से बचाएगा इसलिए जहां भी कुरान करीम में कसरत के साथ में ये मिलता है जुमला ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तो खौफ उनका ताल्लुक हमेशा माजी के साथ है कि जो गलतियां माजी की में हुई जो भी कमियां कोताहियां कमजोरियां हुई किसी का माइक खुला लाइक पीस है प्लीज इफ यू कैन माइक तो ला खौफुन गुज़श्ता माजी में जो भी गलतियां हुई वो मतलब जो भी इंसान से कमियां कोताहियां होगी हदायत को कबूल जब इंसान कर लेता है तो उसके दोनों हदायत को जब इंसान कबूल कर लेता है तो फिर उसके दोनों सिक्योर हो जाते हैं उसको दोनों जमानों में माजी में भी जो हदायत को कबूल करने का पहले का जमाना होता है उसके बारे में भी खौफ नहीं रहता कि खुदा ताला ने मुझे अब हदायत को कबूल करने की तौफीक दी है तो इसका मतलब है अब मुझे जो माजी में कमियां कोताहियां रह गई वो बख्शी गई हैं इसकी तरफ हदीस वो इशारा करती है कि एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूलल्लाह अब तो हमने इस्लाम कबूल कर लिया है और हदायत का पता लग गया लेकिन वो जो कमियां कोताहियां गलतियां हुई इस्लाम को कबूल करने से पहले क्या उनके बारे में हमारा मुआख़ा होगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदायत कबूल करने की वजह यही है कि वो बख्शी गई हैं अगर वो बख्शी ना जाती और उन्हीं कमियों कोताहियों में इंसान पड़ा रहता तो हदायत ना मिलती तो ये है खौफ उनका माजी के साथ ताल्लुक है और हिज़्न का कि मुस्तकबिल भी उनका सिक्योर हो जाता है कि वो आगे फ्यूचर में भी अपनी हदायत को कबूल करने के बाद इस तसल्ली में आ जाते हैं कि आइंदा भी खुदा तआला में किसी भी तरह की कमजोरियों से बचाएगा सिंपल एक तफसीरी नुक्ता था मैंने कहा बता दूं जो याद रह जाए इस आयत को फिर कर देता हूँ कुलना हमने कहा इहबितू तुम सब निकल जाओ मिनहा इसमें से यानी इस जन्नत में से पीछे जो जिक्र हो रहा था जमीअन सब के सब
फाइम्मा बस अगर याती यन्ना कुमिनी वो तुम्हारे पास आए मेरी तरफ से हदन हुदन हदायत, बस अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आए, फमन तबीआ हुदाया बस जिसने भी मेरी हदायत की पैरवी की। तबीआ माजी का पहला सीगा है, उसने पैरवी की। फमन तबीआ बस जिसने भी पैरवी की, हुदाया मेरी हदायत की। फला खौफुन अलैहिम तो उन पर ना कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। वल्लदीना कफरू और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वकज्जबू भी आयातीना और उन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, का अस्हाबु नार यही आग के साथी हैं या दोजखी हैं, हम फीहा खालिदून वो उसमें रहते चले जाएंगे। या बनी इसराइला ए बनी इसराइल, उज़कुरू नियमती उज़कुरू तुम याद करो, अमर है मैंने बताया था, अमर है जमा के लिए है। अगर हमने एक बंदे को कहना हो कि तू याद कर तो हम कहेंगे उज़कुर, तू याद कर, लेकिन उज़कुरू है तो ये जमा होगा। उज़कुरू तुम याद करो, नियमतिया मेरी नियमत को, अल्लती जो अनअमतु मैंने नियमत की, अलैकुम तुम पर, अल्लती अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर नेमत की, उस नेमत को याद करो। वाउफू बी अहदी और तुम मेरे अहद को पूरा करो। अउफू अपना माइक देख लें प्लीज और उसको म्यूट कर लें प्लीज। जाकला औफू तुम पूरा करो, बी आहदी मेरे अहद को, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बी आहदी कुम तुम्हारे साथ अहद को, व इजाया फरहबून और मुझसे ही तुम डरो, इजाया मुझसे फरहबू फा, मैंने उस दिन भी बताया था ये तीन लफ्ज हैं, फा अलग है, इरहबू अलग है और नी अलग है, फरहबू नी फा पस इरहबू तुम डरो नी मुझसे, फरहबू नी पस तुम मुझसे डरो, वा आमिनू और तुम ईमान लाओ, बीमा उस पर जो अनजल तू मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन लिमा माअकुम मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी, माकुम जो तुम्हारे साथ है जो तुम्हारे पास है, मुसद्दिकन लिमा माअकुम उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, वला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही वला तकूनू और तुम ना हो जाओ, मैंने बताया था ला नाफिया हो तो तकूनूना है पूरा मुजारे तुम हो जाते हो, लेकिन ला नाफिया की वजह से मुजारे का नून गिर जाता है, वला तकूनू और तुम ना हो जाओ, वाला पहले काफिरिन इनकार करने वाले भी उस सदाकत का उस कलाम का जो मैंने नाजिल किया, जो अनजलतु में जो इशारा है जो मैंने नाजिल किया भी उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, वला तकूनू और तुम ना हो जाओ अव्वला काफिरिन भी उसके पहले इनकार करने वाले, वला तश्तरू भी आयाती और तुम मेरी आयात के बदले में ना लो, समनन कीमत कलीलन थोड़ी, वइय्याया और मुझसे फत्ताकूना तुम मेरा ही तुम तकवा इख्तियार करो, फत्ता फा फिर अलग है, इत्ताकू तुम तकवा इख्तियार करो, नी मेरा और मेरा ही तुम तकवा इख्तियार करो। समनन कलील का मैंने उस दिन खोल के बताया था कि क्यों कहा कुरान करीम ने, ये मुहावरा बहुत जगहों पे आएगा कि तुम मेरी आयात के बदले में थोड़ी कीमत ना लो, तो क्या ज्यादा कीमत ली जा सकती है, तो उस दिन भी मैंने मुख्तसरन बता दिया था कि कुरान करीम के बदले में खुदा ताला की तालीमात के बदले में दुनिया जहान की भी दौलत मिल जाए तो वो समनन कलीलन ही कहलाएगी, उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो बिल्कुल एक बेमानी चीज हो जाती है। इसलिए फरमाया कि कुछ कुरान करीम की मेरा जो कलाम है उसके बदले में तुमने कोई कीमत नहीं लेनी।
एक और चीज मेरे जहन में आ रही थी। हाँ, हमने कायदा पढ़ा था, जैसे फरहाबून में भी है और इफ्तताकून में भी है, मैंने बताया था कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल फा अलग कर देते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो मैंने बताया था। फिर हम देखेंगे साकिन जो लफ्ज है, जैसे यहाँ पे रा साकिन है, तो रा साकिन के बाद जो लफ्ज आ रहा होगा उसकी हरकत को हम देखेंगे। अगर उस पे फतह या कसरा होगा तो शुरू में कसरा आएगी, और अगर उस पे गम्मा हुई तो शुरू में गम्मा आएगी। इस तरह फतह कभी नहीं आती, सिर्फ या हम उसको दम्मा से शुरू कर सकते हैं जिसे हम पेश कहते हैं, या हम उसे कसरा से जिसे हम जेर कहते हैं शुरू कर सकते हैं। कभी भी शुरू में किसी लफ्ज को शुरू करने के लिए इस शक्ल में जो होता है उसको नहीं कर सकते, कभी भी नहीं होता। तो अलिफ ऐसा हो जिस पर कोई हरकत ना हो और उसका अगला हरफ साकिन हो, तो उसको पढ़ने के लिए कि अलिफ के ऊपर दम्मा आएगी या कसरा आएगी, हम साकिन अलिफ से अगले वाला हरफ देखेंगे और उसकी हरकत को फॉलो करेंगे। अगर दम्मा हुई तो शुरू में दम्मा, अगर फतह या कसरा हुई शुरू में कसरा आएगी। ये उस दिन हमने डिटेल से पढ़ा था, इसको बार बार मैं दोहराता रहूंगा जब तक पुख्ता हो जाए। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, और तुम तलबिसूना तुम मिलाते हो। ला तलबिसुल हक्का, तुम हक को ना मिलाओ, बिल बातिल झूठ के साथ। खलत मलत हुजूर ने तर्जमा किया, मिलाना मुराद है, और तुम हक को झूठ के साथ खलत मलत ना करो, मिलाओ ना। वतक्तुमुल हक्का, और तुम हक को ना छुपाओ। ये भी मैंने उस दिन बताया था कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ ना का तर्जुमा कैसे है, ला तो यहाँ लिखा नहीं हुआ, तो ये वाला ला जो है वो इस तख्तुमून पर भी असर कर रहा है, और उसकी निशानी ये है कि ये अगर ला, ये वाला शुरू में जो ला आया है, अगर इस मुजारे के ऊपर असर अंदाज ना हो रहा होता तो यहाँ नून लिखा होना चाहिए था, वो नहीं है। इसका मतलब है कि यही ला जैसे तलबिसू पे असर कर रहा है, ऐसे ही तख्तुमू पे भी कर रहा है, और तर्जुमा नेगेटिव होगा। वला तलबिसुल हक्का, और तुम हक को ना मिलाओ, बिल बाकी झूठ के साथ। व तख्तुमुल हक्का, और तुम हक को ना छुपाओ। व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो, तुम जानते हो कि हक को छुपाना बुरी बात है, इसलिए जानते बूझते हुए हक को ना छुपाओ। अकीमू अमर है, अब अकामू होगा तो उन्होंने कायम किया, माजी हो जाएगा जमा का सीगा, अकामू सलाता, उन्होंने नमाज कायम की। अकीमू है, तुम कायम करो, अमर है, जमा का सीगा है। वह अकीमू सलाता, और तुम नमाज को कायम करो। वह आतु ज़कात, और तुम जकात दो। आतू भी अमर है, जमा का सीगा है। वरकाऊ इरकाऊ, अब देखें यहाँ पे हमने इसको वाव को अलग करना है, तो अगर हम इसको इरकाऊ अमर जो है इसको देखेंगे तो रा के बाद काफ है, काफ पे फतह है, इसलिए शुरू में ऑटोमेटिक सिंपली विदाउट थिंकिंग हमारे वो शुरू में कसरा आ जाएगी बगैर सोचे समझे, क्योंकि जम्मा नहीं है। अगर जम्मा होती तो शुरू में हम जम्मा ले आते। वरकाऊ, अब इसलिए इसलिए ऊपर कोई हरकत नहीं है, अगर हम वाव को साथ नहीं मिलाते तो हम इसको पढ़ नहीं सकते, दो साकिन आ जाते हैं, तो उसको फिर कैसे पढ़ेंगे। उसके लिए हम साकिन वर्ड के बाद, जो साकिन हरफ के बाद, अल्फाबेट के बाद जो अगला हरफ आ रहा होता है उसकी हरकत को फॉलो करेंगे। तो इस जुमले में तीन अमर हैं, अकीमू आतू इरकाऊ, तीन अमर हैं। असलात और जकात, दोनों उर्दू में भी सलात और जकात आम इस्तेमाल होते हैं इसलिए उनका तर्जमा मुश्किल नहीं। व अकीमु सलाता, और तुम नमाज कायम करो। व आतु जकात, और तुम जकात अदा करो। वरकाउ, और तुम झुको। मा साथ अर्राकीईन, झुकने वालों के। अर्राकीईन सिंपल तर्जमा है, झुकने वाले। वरकाउ मा अर्राकीईन, और तुम झुकने वालों के साथ झुको। अतामुरून अन्नासा, क्या तुम हुक अता आ इस्तेफहामिया क्वेश्चन के तौर पे है,
आ क्या तामुरूना तुम हुक्म देते हो अन्नासा लोगों को, अतामुरूना अन्नासा बिलबिर्री क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, वतन साउना और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम अपना आप, क्या लोगों को नेकी का तुम हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, वह अंतुम हालांकि तुम तत्लूना तुम पढ़ते हो अलकिताब किताब, अलकिताब यानी कुरान करीम, हालांकि तुम अलकिताब यानी कुरान पढ़ते हो, क्या लोगों को तुम नेकी का हुक्म देते हो और खुद भूल जाते हो। कुरान तो कहता है कि जो लिमा तकूलूना माला तफालून, तुम वो कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं हो, तो तुम लोगों को वो बात कह नहीं सकते जो खुद नहीं करते, तो इसलिए उसी की तशरीह है, उसी से मिलता जुलता मजमून है। अता अमुरून नासा क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो बिल बिर्री नेकी का, वतन सौना और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम अपना आप, व अंतुम हालांकि तुम, वाव हालिया है इसलिए उसका तर्जमा हालांकि कर सकते हैं, व अंतुम हालांकि तुम ततलूना तुम पढ़ते हो अल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो और उसमें ये तालीम नहीं है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो और अपने आप को नेकी के अपने आप को उसका मुखातिब ना समझो। अफला ताकिलून, बस क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, आ क्या फा बस ला नहीं, अफला क्या बस नहीं ताकिलून तुम अकल करते, तुम देखते नहीं ये अकल की बात नहीं है, लोग बात नहीं एक दो दिन मानेंगे देखेंगे कि तुम्हारा अपना अमल जो है वो तुम्हारे कौल के मुताबिक नहीं है, तो दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे फिर आज हम यहाँ सबक पढ़ेंगे वस्तईनू, अब फिर ये वही अमर है, ये इस्तईनू अमर है, वाव अगर हटा दें तो अलिफ गैर मुतहर्रिक है, कोई उस पर हरकत नहीं है, आगे सीन साकिन है, ता पे फतह है, ऑटोमेटिक अलिफ पे कसरा आ जाएगी क्योंकि ज़म्मा नहीं है। वस्ताईनु या तो हम यूं मिला के पढ़ें या वा और इस्ताईनु तुम मदद मांगो, हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इय्याका तेरी ही नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझसे ही नस्ताईन हम मदद मांगते हैं, तो इस्ताना यस्ताईनु, इस्ताना माजी है, यस्ताईनु मुजारे है, उससे फिर इस्ताईनु अमर है, जमा कैसी गया है वस्ताईनु और तुम मदद मांगो बिसबरी सबर के साथ, वस्वला और नमाज के जरिए से, तुम सबर और नमाज के साथ मदद मांगो, यानी नमाज पढ़ते हुए खुदा ताला से दुआएं करते हुए सबर मांगो, मदद सबर करते हुए मदद मांगो, लेकिन इतनी आसान बात नहीं है सबर करना, सबर करने का पता तब चलता है जब इंसान को कोई ऐसी बात कोई कह दे जो उसको बर्दाश्त ना हो सके, और ऐसे मौके पे सच्चा होते हुए वो सबर करे तो ये सबर है, आम छोटी मोटी बातों पे खामोश हो जाना या ऐसी बात पे खामोश हो जाना जिसपे पता हो यहाँ खामोश होना ही बेहतर है, कहते हैं सबर करता हूँ, ये सबर नहीं है, वहां पे तो चारा ही नहीं था इंसान के पास कि सबर करता वरना लड़ाई हो जाती, सबर ऐसी बात पे है जहां आप सच्चे हैं, आप चाहें तो बोल के आगे दूसरे का मुंह बंद कर सकते हैं लेकिन खामोश रहते हैं, तो ये है सबर, ये सबर जो है ये बगैर दुआ की और खुदा ताला से मदद मांगे हासिल नहीं हो सकता, ये आसान चीज नहीं है, इसलिए कुरान करीम ने इसको कहा है वा इन्नहा लकबीरतुन, और यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि इंसान सबर और दुआ के जरिए से मदद मांगे, इल्ला अलल खाशीन सवाई झुकने वालों लोग के, अल खाशीन खुशु व खुजू, हम उर्दू में आम एक लफ्ज पढ़ते हैं खुशु व खुजू, कहते नमाज में बड़ा नमाज उर्दू तकरीरों में सुना होगा या वैसे आम इस्तेमाल होता है कि खुदा ताला से दुआ करें खुशु व खुजू नमाज में अता हो, तो खुशु व खुजू कहते हैं झुकने को, आजजी इख्तियार करने को, खशा कहते हैं वो झुक गया या उसने आजजी इख्तियार की,
तो आजी भी इनफैक्ट झुकने को ही कहते हैं, इंसान झुकता है तो तभी आजिजी इख्तियार करता है। तो सवाए आजिजी इख्तियार करने वाले लोगों के, बाकी सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है, आसान बात नहीं है। सब्र और दुआ के साथ मदद मांगो, लेकिन ये सब्र और दुआ के जरिए से मदद मांगना सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब हो सकता है जो अल खाशियीन में शामिल है, जो खुदा ताला के सामने आजजी इख्तियार करने वाले हैं और दुनिया में भी दूसरों के सामने आजजी के साथ रहते हैं। इसके अलावा उन जो अल खाशियीन क्लास में है, इस क्लास के अलावा बाकी सब के लिए ये बहुत बड़ी बात है, कबीरा, बहुत बड़ी चीज है, आसान बात नहीं है। इसलिए हुजूर ने इसका तर्जमा बोझल किया है कि यकीनन ये आजजी करने वालों के सिवा सब पर बोझल है, बोझल वजनी, जो इंसान उठा ना सके, इतनी बड़ी चीज हो। तो कबीरा तुम बड़ी चीज को कहते हैं, उससे फिर बोझल उसका तर्जमा किया है, तो कर सकते हैं। वह इन्ना, और यकीनन ये, यानी ये क्या, ये सब्र और नमाज के जरिए से मदद मांगना, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, लेकिन खुशू व खुजू इख्तियार करने वाले लोगों के लिए आसान बात है। उनको पता है, उनको तरीके पता है, उनको खुदा ताला से मांगने के तरीके पता है, इसलिए उनके लिए आसान है। इसलिए अगर सब्र और नमाज के जरिए से मदद मांगनी है तो पहले आजजी लानी पड़ेगी, पहले खुशू व खुजू लाना पड़ेगा, तबीयत में नरमी लानी पड़ेगी, तब जाके इंसान सब्र और दुआ के जरिए से मदद मांग सकता है। और वो अल खाशियीन कौन है, ये क्लास कौन सी है जो झुकने वाले हैं, जो आजजी इख्तियार करने वाले हैं, उनकी तशरीह अगली आयत में है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग जो यकीन रखते हैं। वैसे तो जन हम शक को कहते हैं, लेकिन यहाँ यकीन के मानों में कुरान करीम ने जन का लफ्ज यकीन के मानों में भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो लोग जो खुदा ताला के सामने आजजी इख्तियार करने वाले हैं और बड़े सब्र और दुआ के साथ खुदा ताला से मदद मांगते हैं, उनको ये शक नहीं है कि वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे, वो तो पक्के और पुख्ता यकीन पर कायम है कि वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए पहले मैं इस आयत का तर्जमा कर दूं, फिर हम देखते हैं इसको। अल्लज़ीना, वो लोग, यज़ुन्नूना, जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम, यकीनन वो, मुलाकू, मिलने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब को। ये है अल खाशियीन, वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब को मिलने वाले हैं। वह अन्नहुम, और यकीनन वो, इलैही राजिऊ, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। मुंह से कहना तो बहुत आसान है कि हम लोग, हाँ, हर एक को पता है अल्लाह से मिलना है, जितने भी ईमान लाने वाले हैं सबको पता है अल्लाह से मिलना है और उसी की तरफ लौटना है, लेकिन हकीकतन उस चीज को अपने ऊपर वारिद भी करना और उसकी उसकी इम्पोर्टेंस को समझना, अहमियत को समझना और फिर अपनी जिंदगी के ऊपर उसका जहूर करना, ये अल खाशियीन को हासिल होता है। तो दोनों आयतें आपस में मिलकर एक दूसरे के मतलब को जाहिर करेंगी। दोनों का तर्जमा मैं दोबारा कर देता हूँ। वस्ताइनू, और तुम मदद मांगो, बिस्सब्री, सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के साथ। वा इन्नहा, और यकीनन ये बात, लकबीरतुन, जरूर बहुत बड़ी है, ला जरूर, कबीरतुन, बड़ी, यकीनन ये बहुत बड़ी है, ये बोझल बात है, इल्ला, सवाए उनके, अलल खाशीन, जो आजजी इख्तियार करने वाले हैं। अल्लदीना, वो लोग, यजुन्नूना, जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाकू, मैंने बताया जन का लफ्ज यहाँ यकीन के मानों में है, कुरान करीम ने जन का लफ्ज शक के मानों में भी इस्तेमाल किया, इन्ना बाज़ जन इस्म, यकीनन बाज़ जन जो है वो गुनाह होते हैं, कि बाज़ शक जो है वो गुनाह तक इंसान को ले जाते हैं। तो जन शक के मानों में भी कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ शक का नहीं है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बता देगा, मफहूम बताएगा आयत का, कि उस जगह पे जहाँ पे जन का लफ्ज आया है वहां आप उसका तर्जमा शक करेंगे या यकीन करेंगे, यहाँ बहरहाल यकीन है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, के यकीनन वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, व अन्नहुम इलैही राजिऊन, और यकीनन वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। या बनी इस्राइल, पढ़ी है इसलिए जल्दी कर लूंगा,
या बनी ए बनी इसराइल उज़्कुरू, तुम याद करो नियामत या मेरी नेमत को, अल्लती अनअमतु अलैकुम, वो जो मैंने तुम पर नेमत की, वा अन्नी फज़लतुकुम, और यकीनन मैंने तुम्हें फजीलत अता की, फज़लतु मैंने फजीलत दी कुम तुम्हें, वा अन्नी फज़लतुकुम, और मैंने तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन सब जहानों पर, वत्तकू यौमन उस दिन से डरो, वत्तकू वा को अलग कर दें तो इत्तकू अमर है। अब देख लें अलिफ आया है तो आगे जो हरफ आ रहा है, अब यहाँ पे आपको साकिन लफ्ज नहीं आ रहा नजर, तो शायद लफ्जे को यहाँ तो साकिन नहीं है तो फिर कैसे पढ़ेंगे। ये शद्दा जो है एक ता इसके अंदर मुद्दरम हो गई है, इत्तकू है असल में, तो वो चूंकि पढ़ना हार्ड है जुबान के लिए, इत्तकू हम पढ़े तो वो जुबान पे चढ़ता नहीं, फ्लुएंट नहीं, फ्लुएंस नहीं रहता और ना ही जुबान फ्लुएंट रहती है, इसलिए वो ता इसी ता के अंदर मुद्दगम करके उसको मर्ज करके ऊपर शद्दा डाल दी गई है, इसलिए वो ता साकिन यहाँ पे है, उस ता साकिन के बाद ता के ऊपर फतह है, इसलिए अलिफ के नीचे कसरा आएगी। इत्तकू वत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार करो, यौमन उस दिन से, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन, तजजी नफ्स अरबी में मुअन्नस है इसलिए तजजी मुअन्नस का सीगा है, वो काम आती है, ला तजजी नहीं काम आएगी, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान के, शैयन कुछ भी, उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ भी काम नहीं आएगी, वाला और ना ही युकबलू भूल जाएगा, मिनहा उससे यानी उस जान से, शफातुन सिफारिश, इंटरसेशन शफातुन सिफारिश, वाला युकबलू और नहीं कबूल किया जाएगा, मिनहा उस जान से, शफातुन सिफारिश, वला युखदु और ना ही लिया जाएगा, मिनहा उस जान से, युखजु वो लिया जाता है, वो वसूल किया के जाता है, वो अखज किया जाता है, अखज करना उर्दू में आम इस्तेमाल होता है कि मैंने इस मजमून से, मैंने इस पैराग्राफ से ये मजमून अखज किया है या ये मतलब अखज किया है, तो अखज करना लेना, युखजु वो लिया जाता है, वला युकबलु मिनहा शफाअतुन, और उस जान से कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, वला युखजु और ना ही लिया जाएगा, मिनहा उससे अदलुन बदला, वला हुम और ना ही वो युनसरूना मदद दिए जाएंगे, युनसरूना दे आर हेल्प्ड वो मदद दिए जाएंगे, लेकिन ला की वजह से ला हुम युनसरून वो मदद नहीं दिए जाएंगे। इस आयत का तर्जुमा फिर कर देता हूँ, वत्तकू और तुम तकवा इख्तियार करो, यौमन उस दिन का, या तुम डरो उस दिन से, ला तजजी नहीं काम आएगी नफ्सुन कोई जान, पूरा मुहावरा हम पढ़ेंगे तो ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन, कोई जान किसी जान के कुछ भी काम ना आएगी, तजजी सिंपल याद रखें वो काम आती है, काम नहीं आएगी ला की वजह से, ला नाफिया है, ला तजजी नहीं काम आएगी नफ्सुन कोई जान, या नहीं काम आएगा भी हम कर सकते हैं अगर नफ्सुन का तर्जुमा हम नफ्स करें, कोई नफ्स किसी दूसरे नफ्स के काम नहीं आएगा, उर्दू में तो हम आमतौर पर आम इस्तेमाल करते हैं नफ्स जान के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, तो वत्तकू और तुम तकवा इख्तियार करो या तुम डरो, यौमन उस दिन से, ला तजजी नहीं काम आएगी नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी दूसरी जान के, शैयन कुछ भी, वला युकबलु मिनहा, मैंने कहा नफ्सुन हा की जमीर भी मुअन्नस है इसलिए मिनहा मिनहा जहां भी आएगा नफ्स की तरफ इशारा करेगा, जान की तरफ इशारा करेगा, वला युकबलु मिनहा शफाअतुन और ना ही उस जान से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, वला युखजु और ना ही लिया जाएगा मिनहा उस जान से अदल बदला, रैंसम
बदले से मुराद है किसी चीज के बदले में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा कि कोई पैसे वगैरह कोई किसी किस्म के भी बदले में चीज ले तो उसको बख्श दिया जाए, इसलिए इंग्लिश में इसका तर्जमा फिर रैंसम करते हैं। तावान वला युखदु मिन्हा आदलुन, और उससे कोई बदला यानी किसी किस्म के कोई तावान या कोई पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद दिए जाएंगे। वा इद नजैनाकुम, और जब हमने तुम्हें निजात दी, नजैना हमने निजात दी, कुम तुम्हें, इद जब वा और। वा इद नजैनाकुम, और जब हमने तुम्हें निजात दी, मिन आली फिराउना, आले फिराउन से, फिराउन की कौम से, आल यहाँ कौम के मानों में है। जब हमने नजैनाकुम, हमने तुम्हें निजात दी, हमने तुम्हें बचाया, तो नजैना ये माजी मुतकल्लिम का सीगा है, हमने। वा इद, और जब नजैना हमने निजात दी, कुम तुम्हें, मिन से, आल कौम फिराउना, फिराउन। वा इद नजैनाकुम मिन आल फिराउना, और जब हमने तुम्हें फिराउन की कौम से निजात दी, यसूमूनकुम, सामा इसका माजी है, यसूमू मुजारे है, यसूमू जमा का सीगा है, सामा उसने तकलीफ पहुंचाई, यसूमूना जमा है वो तकलीफ पहुंचाते हैं, तो यसूमूनकुम वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे क्यों तर्जमा हमने किया, हालांकि मुजारे है, यसूमूना वो तकलीफ पहुंचाते हैं, थे इसलिए तर्जमा किया है कि शुरू में इद आ गया है। मैंने आपको शुरू में जब इदा का कायदा पढ़ाया था कि अगर माजी से पहले इदा आ जाए तो वो उसके तर्जमे को मुजारे में चेंज कर देता है, इसी तरह अगर मुजारे से पहले इद आ जाए तो वो उसको माजी में भी ले जाता है, इसलिए ये कायदा याद रखने वाला है। इस इद की वजह से हम थे तर्जमा करेंगे, वरना यसूमून मुजारे है, लफ्जी तर्जमा होना चाहिए फ्यूचर में कि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं या पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचाते थे हम तर्जमा करते हैं इस इज की वजह से। यसूमूनकुम वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे, सू अल अज़ाबी बुरे अजाब के साथ, सख्त अजाब के साथ, सू बुरा, अल अज़ाब अजाब सजा, वो तुम्हें बुरे अजाब के साथ तकलीफ पहुंचाते थे। वो बुरा अजाब क्या था, युज़बिहूना अबनाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को जिबा कर देते थे, युज़बिहूना सिंपल है, वो जिबा करते हैं, लेकिन इसमें भी जिबा करते थे हम तर्जमा इस की वजह से करेंगे, वरना ये मुजारे हैं। युज़बिहूना अबनाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को जिबा कर देते थे। वयस्तहयूना, और जिंदा रखते थे, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को, निसा उन औरतें, कुम तुम्हारी, यस्तहयूना ये भी मुजारे है इज की वजह से, ये सारे याद रखने हैं चीजें। यसूमूना, युज़बिहूना, यस्तहयूना तीनों जमा मुजारे के सीगे हैं, लेकिन इस इज की वजह से हम इसका माजी में तर्जमा करेंगे। यसूमूनकुम वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे, सू अल अज़ाबी बुरे अजाब के साथ, युज़बिहूना वो जिंदा रखते थे, अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना सॉरी युज़बिहूना वो जिबा करते थे, अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना और वो जिंदा रखते थे, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को, वफी दालिकुम और तुम्हारे लिए इसमें, वफी और इसमें, दालिकुम तुम्हारे लिए, बलाउन आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अजीमुन बड़ी, वफी और इसमें, जालिकुम तुम्हारे लिए बलाउन आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम बड़ा बड़ी, बलाउन अजीमुन है असल में, बलाउन अजीमुन बड़ी आजमाइश किसकी तरफ से थी, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, तो अजीमुन का ताल्लुक रब्बिकुम अजीम नहीं है, तुम्हारा रब रब के लिए सिफत नहीं आई, बलाउन के लिए आई है, बलाउन अजीमुन है बड़ी आजमाइश थी। इस आयत का फिर तर्जमा कर देता हूँ। वा इद नजैनाकुम, और जब हमने तुम्हें निजात दी,
मिन आली फिराउना, फिराउन की कौम से। यसूमूनकुम, वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे। सू अल अजाबी, बुरे अजाब के साथ। युजब्बिहूना, या सख्त अजाब के साथ। युजब्बिहूना, वो जिंदा रख सॉरी वो जिबा कर देते थे अबना अकुम, तुम्हारे बेटों को। व यस्तहयूना, और वो जिंदा रखते थे। निसा अकुम, तुम्हारी औरतों को। वफी जालिकुम, और इसमें तुम्हारे लिए। बलाउन अजीमुन, बड़ी आजमाइश थी। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। उर्दू में जब हम तर्जमा करेंगे तो फिर इस तरह होगा कि अजीमुन का ताल्लुक बलाउन के साथ हो जाएगा, लेकिन लफ्जी तर्जमे में बहरहाल हम ऐसे ही जाएंगे। वफी, और इसमें। जालिकुम, तुम्हारे लिए। बलाउन, आजमाइश थी। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अजीम, बड़ी, तो इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी। फिर एज आया, व इज फरकना बिकुमुल बहरा। व इज, और जब फरकना, हमने फाड़ा, ना हमने, तो फराका होता है फाड़ना। व इज फराकना, और जब हमने फाड़ा। बिकुम, तुम्हारे लिए। अलबहरा, समंदर। व इज फराकना, और जब हमने फाड़ा। बिकुमुल बहरा, तुम्हारे लिए समंदर को। फअंजैना, बस हमने निजात दी। कुम, तुम्हें। व अगरकना, और हमने गर्क कर दिया, डुबो दिया। आला फिरौना, फिरौन की कौम को। वअंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। तुम्हारे सामने खुदा ताला ने ये सारा कुछ किया, तुम देखते थे। बनी इसराइल की बात हो रही है, खुदा ताला उनको कह रहा है कि मेरी उस नेमत को याद करो जब तुम्हें फिरौन के तुम कब्जे में थे, और कैसे वो तुम्हारे ऊपर सख्त सजाएं तुम्हें देते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे, औरतों को जिंदा रखते थे। तो फिर देखो खुदा ताला ने तुम पे कितनी बड़ी नेमत की कि खुदा ताला ने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ा, तुम्हें निजात दी, और फिरौन को कौम समेत गर्क कर दिया, और तुम देख रहे थे। मैं इस आयत का फिर तर्जमा करता हूँ। वह इज फरकना बिकुमुल बहरा, और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ा। फअंजैनाकुम, बस हमने तुम्हें निजात दी। वह अगरकना, और हमने गर्क कर दिया। आला कौम, फिरौना, फिरौन की। वअंतुम, और तुम। तंजुरूना, तुम देख रहे थे। मैंने ठे तर्जुमा फिर क्यों किया है? तंजुरूना का लफ्जी तर्जुमा है तुम देखते हो। ठे इसलिए किया है कि शुरू में इज लगा हुआ है। वअंतुम तंजुरूर, और तुम देख रहे थे। ये देखना, इज और इजा बहुत दफा आएंगे हम इंशाल्लाह, इसको जितनी दफा इसमें से गो थ्रू हो जाएंगे आपको याद हो जाएगा, फिर आपको आपके ऑटोमेटिक सिस्टम में बैठ जाएगा, जब आएगा आपको फौरन क्लिक कर जाएगा। वह इज वादना मूसा अरबईना लैलतन। वह इज, और जब। वादना, हमने वादा किया मूसा मूसा से। अरबईना, 40। लैलतन, रातें। और जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया। वह इज, और जब। वादना, हमने वादा किया मूसा से। अरबईना लैलतन, 40 रातों का। सुम्मत तखल तुमुल अजला, फिर तुमने बिछड़े को बना लिया। सुम्मा, फिर। इत्तखज तुमने बना लिया। अब ये इत्ता इत्ता अलिफ के नीचे कोई ऊपर जब कोई हरकत नहीं है, ये भी वही इत्ताकू वाली बात है। ता जो है वो जहां भी शद्दा आएगी समझ लें डबल हरफ है वहां पे, क्योंकि शद्दा उसको डबल को जाहिर करता है। तो इत्तखज तुम को जुबान के ऊपर कभी कितने देखे मुश्किल लग रहा है, इत्तखज तुम पढ़ना, तो इत्तखज तुम पढ़ना आसान है, इसलिए शद्दा दे के एक दे को खत्म कर दिया। तुम मत तखज तुम, सुम्मा, फिर। इत्तखज तुमने बना लिया। अलइजला, बछड़ा। मिम्बादी, इसके बाद। वअंतुम जालिमून, और तुम जालिम थे। फिर तर्जमा करता हूं। वा इद, और जब। वादना, हमने वादा किया मूसा मूसा से। अरबाईना लैलतन, 40 रातों का। सुम्मा, फिर। इत्तखज तुमने बना लिया। अलइजला, बिछड़े को, यानी माबूद बना लिया। तो वो माबूद हुजूर ने भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है,
ब्रैकेट में आएगा लफ्ज, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जो माबूद के लफ्ज को जाहिर करे, इसलिए माबूद ब्रैकेट में ही आएगा। सुम्मा फिर इत्तखज़्तुमुल इजला, तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, मिन बाद ही इसके बाद, वा अंतुम जालिमून और तुम जालिम थे, फिर तर्जमा इद की वजह से है। सुम्मा फिर अफाउना, हमने दरगुजर किया, अनकुम तुमसे, इसके बावजूद भी खुदा ताला कहता है कि तुमने बछड़ा बना लिया था मूसा जब 40 रातों का हमने उसे वादा किया कि हमारे पास आओ 40 दिनों के लिए, और वो आए हमारे पास 40 दिनों की सेक्लूजन के लिए, अलहदा इबादत करने के लिए, तो तुमने पीछे क्या किया, खुदा को भुला दिया जो मूसा ने तुम्हें बताया था, और तुमने सामरी की बात मान के माबूद बना लिया। लेकिन इसके बावजूद खुदा ताला कहता है सुम्मा अफौना अनकुम, फिर भी हमने तुम्हें तुमसे दरगुजर किया, हमने माफ कर दिया तुम्हें। सुम्मा फिर भी अफौना, हमने दरगुजर किया, अनकुम तुमसे, मिन बादी ज़ालिका, इस फेल के बाद भी, मिन बादी ज़ालिका, इसके बाद भी, ज़ालिका पिछली आयत की तरफ इशारा कर रहा है, यानी तुम्हारे माबूद बछड़े को माबूद बना लेने के बाद भी हमने तुमसे दरगुजर किया, क्यों, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, ताकि तुम शुक्र करो। वाइज, और जब आतेना, हमने दी, क्योंकि किताब आ रही है आगे, तो किताब उर्दू में मुअन्नस होती है किताब, इसलिए मैंने दी का तर्जमा किया, वरना आतेना हमने दिया भी होता है। वाइज आतेना, और जब हमने दी, मूसल किताबा, मूसा को किताब, और जब हमने मूसा को किताब दी, वल फुरकान, और फुरकान, फुरकान कहते हैं अ डिस्टिंक्शन, ऐसी चीज जो सच और झूठ में फैसला करने वाली हो, इसलिए को अल फुरकान भी कहा जाता है, क्योंकि कुरान करीम, कुरान करीम का एक नाम अल फुरकान भी, हम कहते हैं कुरान मजीद, फुरकान हमीद, तो फुरकान जो है हक और बातिल में तमीज करने वाली चीज, ऐसी शरीयत जो झूठ और सच में, बुराई और नेकी में फर्क करने वाली हो, इसलिए मूसा को जो किताब हमने दी वो भी फुरकान थी, यानी झूठ और सच में फर्क करने वाली थी। वाइज आतेना, और जब हमने दी मूसल किताबा, मूसा को किताब, वल फुरकाना, और फुरकान यानी हक और बातिल में तमीज करने वाली चीज, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। तो यहाँ पे आयत नंबर 54 पे टाइम भी हो गया, हम इसको खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल हम पहले इसको दोहराएंगे फिर आगे पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक टाइप कर दिया करें दरमियान में सबक के, मैं देख लिया करूँगा, या ईमेल कर दिया करें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।